आपको अवगत कराया है एडजोर्नमेंट मोशन और शून्यकाल राष्ट्रपति अभिभाषण के समय नहीं चलेंगे, ये बुलेटिन में बताया गया था और पहले भी आपको अवगत कराया। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर, संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो, आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है, नहीं सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं, इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, नहीं ऐसा एक व्यवस्था है। आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दे पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। सर, आई बेग टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी ऑफ न्यू डायरेक्शन 116A हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन इशूड बाय द स्पीकर अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में
कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता।